सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, कल रात 8 बजे से मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मध्य खेला गया है। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बेंगलोर टीम को 5 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मैदान पर आई थी और क्विंटन डी कॉक और डिविलियर्स की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते इनकी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 25 रन बना दिए। चेन्नई के सामने लक्ष्य था 206 रन। जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान पर इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तब इनके सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इनके साथ आए बल्लेबाज अम्बाती रायडू ने 53 गेंदों पर 82 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की। इनके बाद सुरेश रैना भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन अंत में जिम्मेवारी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ गए। महेंद्र सिंह धोनी ने खेली बेहतरीन पारी। महेंद्र सिंह धोनी ने 34 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाए। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 7 छक्के और 1 चौका भी लगाया। धोनी की तूफानी बल्लेबाजी के दौरान इनकी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट 205.88 का रहा। मैन ऑफ द मैच चुना गया इस खिलाड़ी को। महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए मैच जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। मैच के बाद किया रणनीति का खुलासा। मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में धोनी ने कहा कि कप्तान के तौर पर जब आप मैदान पर आते हैं तब सामने वाले कप्तान कोई भी गेंदबाज को लाएं, आपको बस संयम बरतते हुए एक बेहतरीन पारी खेलने की कोशिश करनी होती है, जो मैंने की। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि आप खुद पर विश्वास रखते हुए मैच को जिताने के लिए आगे बढ़ते रहो, यही मैंने किया और 2 गेंद शेष रहते ही हमने मैच को जीत लिया। इस मैच में जीत के साथ हम काफी खुश हैं। दोस्तों, आपके अनुसार कोहली और धोनी में से सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन है? आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने गा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले।